Hello friends, I am talking about tenses. आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने जा रहे हैं टेंसेस की, कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इनका जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से किया गया है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और हमारे डेली जो यूजेज होते हैं या जो डेली वर्क होता है उसमें हमें इंग्लिश की कंपल्सरी एक आवश्यकता है, या आप कह सकते हो हमारी एक जरूरत सी है आज के युग में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस, यानी टेंस के बारे में अगर हम बात करें। टेंस की जो डेफिनेशन है, इट रिफर्स टू टाइम। ये टेंस जो है वो समय के बारे में हमें बताता है। अब बात करें, देयर आर थ्री टाइप्स, ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्रेजेंट, नंबर दो पास्ट, और नंबर तीन फ्यूचर। प्रेजेंट जिसमें हम आज जी रहे हैं, वर्तमान काल। पास्ट जो बीत चुका है, जिसे आप अतीत या भूतकाल कह सकते हैं। और फ्यूचर यानी जो आने वाला है, यानी इट रेफर्स टू टाइम। और टाइम जो है वो तीन तरह का होता है, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, और एक होता है फ्यूचर। अब अगर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस, इनके वर्गीकरण की, तो प्रत्येक टेंस को चार भागों में बांटा गया है। तो तीन प्रकार है, उसको चार चार, यानी टोटल जो है वो 12 है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट की, कि प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्बें क्या होती हैं, या फिर आप कह सकते हो इनकी जो मेन वर्ब हैं वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले सिंपल फॉर्म्स, यानी इसे प्रेजेंट सिंपल कह सकते हो आप। फिर इसे बता दो नंबर दो पे प्रोग्रेसिव फॉर्म, जिसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस भी कहते हैं। परफेक्ट फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म कह दो। और नंबर चार जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, या आप दूसरा नाम बता सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अब सबसे पहले आपको प्रेजेंट और पास्ट में एक बात ध्यान में रखनी है, कि ये ही दो एकमात्र ऐसे टेंस है जिनमें एफर्मेटिव में किसी तरह की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। ठीक है, इसमें जो मेन वर्ब होती है प्रेजेंट सिंपल में वो होती है V1, और एस और ES कब लगाना है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। और इसमें सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, यानी वर्ब जो है वो V2 ही आती है। अब ध्यान दें कि प्रेजेंट सिंपल का जो फॉर्मूला होता है, आपको सब्जेक्ट नो हेल्पिंग वर्ब V1 प्लस एस और ES प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसके जो नेगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो होती है डू और डस, और उसके साथ नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। फिर देखिए प्रोग्रेसिव फॉर्म, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब में है वो है एम, इज, आर, और V1 के साथ ING, अर्थात वर्ब की जो चौथी फॉर्म है वो काम में ली जाती है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव है, निरंतर रेगुलर कार्य होता रहता है प्रेजेंट में। परफेक्ट फॉर्म्स, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो है अपने है, हैज और हैव, ठीक है। और इसमें हमेशा ही परफेक्ट में जो वर्ब काम में ली जाती हैं वो होती हैं V3। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म, जिसमें हेल्पिंग वर्ब होती हैं हैव बीन और हैज बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। फिर ध्यान दें, यानी हम अब बात करने जा रहे हैं पास्ट की। पास्ट में, पास्ट सिंपल में हमारे नो हेल्पिंग वर्ब V2, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में ली जाती है। उसके बाद देखिए पास्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म, यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस, उसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है वाज और वर्ब, और V1 के साथ ING। फिर बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट फॉर्म, या आप कह सकते हो पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर ध्यान दें परफेक्ट फॉर्म में हमेशा ही V3 ही रहती है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। फिर ध्यान दें पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, या कह सकते हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है हैड बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में आपका फ्यूचर सिंपल, या आप कह सकते हो फ्यूचर सिंपल फॉर्म्स। फ्यूचर सिंपल फॉर्म में आपको क्या करना होता है, कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल और शैल, और यकीनन
विल और सेल एक मॉडल भी है और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ली जाती है, तो फ्यूचर सिंपल में विल और सेल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ली जाती है। उसके बाद देखिए फ्यूचर प्रोग्रेसिव फॉर्म, तो विल बी सेल बी इसमें जो है वो अपने हेल्पिंग वर्ब होती हैं और जो मेन वर्ब होती है वो वी वन के साथ आई एन जी, बिकॉज यहाँ पे प्रोग्रेसिव है, कंटिन्यूस है और कंटिन्यूस में हमेशा ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म काम में ली जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म्स हेल्पिंग वर्ब में होती हैं, विल हैव, शैल हैव और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो काम में ली जाती है, क्योंकि परफेक्ट फॉर्म है और परफेक्ट फॉर्म में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म्स, तो उसमें विल हैव बीन, शैल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। तो इस तरह से हमें जो टेंस का जो चार्ट है या जो टेबल है उसको इस तरह से क्लियर कर लेना है, और हमें इस टेबल को अच्छी तरह से समझ कर ही हमें जो भी टेंस को उपयोग में लेना है उसके अनुसार हमें हेल्पिंग वर्बें और वर्ब काम में लेनी होती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।